वहाँ पे जब 2000 में सतपाल महाराज जी आ रहे हैं, जब वो केंद्र में मंत्री भी थे और सांसद भी थे यहाँ, और यहाँ पे उत्तराखंड में भी रहे मंत्री तिवारी सरकार के टाइम पर, जब वो आते थे उन्होंने काफ़ी सलाहें दी कि आप जख्खे का तड़का इसमें मारिए, झंगोरे की खीर आप और अच्छे से मीठी बनाए और अच्छे से चलाइए इसे, तो काफ़ी उनसे हेल्प मिली है मुझे। तरुण विजय जी आए, उन्होंने जब खाना खाया उन्होंने बोला तो मूल रूप से उत्तराखंड का जो भोजन आप दे रहे हैं इन साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन डिशों के बीच में, ये बहुत बढ़िया बात है। प्रकाश पंत जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रकाश पंत जी मुझे एक सूप बनाना सिखाया वहाँ पे, जो कि कुमाऊँ में मिलता है, जो दाल काली दाल को पीस के बनाया जाता है, वो सूप हमारा वहाँ पे काफ़ी फेमस हो रहा है। और कोई विशेष कोई आए और वहाँ पे मुझे सबसे आदमी जो राजनाथ सिंह जी आते हैं, DGP अनिल अतुड़ी आते हैं, समस्त मतलब भारत के 90% जो VIPs हैं वो मेरे पास खाने के लिए आते हैं, और उसके कारण जब VIPs आए मेरा खाना फेमस हुआ। तो वहाँ पे जो पेरिस फेस्टिवल लगता है, फॉर द पारिस जिसे कहा जाता है, जहाँ कि फ्रांस का राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होता है, जब वहाँ पे मैंने खाना परोसा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा मेरा नॉर्थ इंडियन खाना, और उसमें पहाड़ के जो व्यंजन थे जो नेचुरल जो गांव में लेडीज़ें बनाती है उस तरह से, मैंने बल्कि एक लेडीज़ को भी रखा है वहाँ पे कुकिंग में, गढ़वाल की लेडीज़ है जो कि गढ़वाली खाना परोसती है मेरे पास वहाँ। तो और एक फेस्टिवल होता है वाइन फेस्टिवल होता है फ्रांस में बहुत बड़ा, वहाँ पर भी मुझे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर मुझे फ्रांस की कंट्री में भारतीय और उत्तराखंड खाने को परोसने का मौका मिला, जिससे कि उत्तराखंड में जो उत्तराचल उत्थान परिषद यहाँ पे एक संगठन है भाजपा का, उन्होंने मेरे गांव मेरे तीर्थ में मुझे सम्मानित भी किया था इस कार्य के काम के लिए कि आप पहाड़ी भजनों वहाँ तक पहुँचें। और मैंने अब तक 18 लोगों को भारत से पलायन करवाया, अच्छा पलायन कराया उत्तराखंड से, 18 लोगों में ले गया हूँ, सब जॉब में है और सब अलग अलग कंट्री में शिफ्ट हो चुके हैं।